एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का नाम पूरे देश में बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था। उनके उपदेश और जीवन मार्ग दर्शन से कई लोग प्रभावित हो चुके थे। उनके शांति और सत्य के संदेश ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया था। बुद्ध के अनुयायी हमेशा उनसे जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते थे और बुद्ध अपने साधारण किंतु प्रभावी उत्तरों से उन्हें समाधान देते थे। इसी प्रकार एक छोटे से गांव में एक आलसी युवक रहता था। उसका नाम देव था। देव बहुत सुस्त और आलसी स्वभाव का था। उसे अपने जीवन में कोई भी काम करने की रुचि नहीं थी। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता और अपने आलस्य के कारण कुछ भी करने से बचता था। उसके परिवार के लोग और दोस्त भी उससे परेशान थे, क्योंकि वह किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभाता था। देव के परिवार ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका आलस्य कम नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि मेहनत करना फालतू की बात है और वह आराम से अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, देव को एहसास हुआ कि उसका यह आलसी स्वभाव उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। उसके दोस्त उससे दूर हो गए थे और परिवार के लोग भी उससे नाखुश रहने लगे थे। धीरे धीरे देव को भी यह महसूस हुआ कि उसका जीवन बिना किसी उद्देश्य के बीत रहा है। एक दिन देव ने अपने एक पुराने दोस्त से सुना कि बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। उसने सुना कि बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। देव ने सोचा, क्यों ना मैं भी बुद्ध के पास जाऊं और उनसे मार्गदर्शन मांगूं, शायद वह मुझे मेरे आलस्य से बाहर निकालने का उपाय बता सकें। देव ने अगले ही दिन बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या बुद्ध सचमुच मेरी मदद कर पाएंगे? क्या वह मुझे मेरे आलस्य से मुक्ति दिला सकते हैं? देव का मन अनेक संदेहों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह बुद्ध से मिलने के लिए उत्सुक था। जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो वहां बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित थे। देव भी उन लोगों के बीच जाकर बैठ गया। बुद्ध ने अपने शांत स्वर में उपदेश देना शुरू किया। वह जीवन में संयम, अनुशासन और परिश्रम के महत्व पर बात कर रहे थे। बुद्ध की बातों ने देव को गहरे प्रभावित किया, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि यह संदेश उसके लिए ही था। उपदेश के बाद देव ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, गुरुदेव, मैं एक बहुत आलसी व्यक्ति हूं। मैं अपने जीवन में किसी भी काम को करने में असमर्थ महसूस करता हूं। मैं हमेशा टालमटोल करता हूं और कोई भी जिम्मेदारी निभाने से बचता हूं। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस आलस्य से कैसे बाहर निकल सकता हूं। बुद्ध ने देव की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन इसे दूर करना असंभव नहीं है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आलस्य से केवल दुख और असंतोष ही मिलता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वह अपने जीवन में न तो सफलता प्राप्त कर सकता है और न ही सच्चा आनंद पा सकता है। बुद्ध ने देव से एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया, ताकि वह इस बात को गहराई से समझ सके। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका एक बेटा था जो हमेशा आलस्य करता रहता था। किसान ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा अपने आलसी स्वभाव के कारण खेतीबाड़ी के काम से दूर भागता रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और वह अब काम करने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। लेकिन उसका बेटा आलस्य में डूबा रहा और उसने काम नहीं किया। धीरे धीरे खेत सूखने लगे और परिवार भूखा रहने लगा। एक दिन किसान ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, अगर तुम अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत नहीं करोगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस दिन बेटे को अपने पिता की बात गहराई से समझ में आई। उसने अपने आलस्य को त्यागा और पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेतों में फसलें लहलाने लगीं
और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। बुद्ध ने देव से कहा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आलस्य तुम्हें कभी किसी अच्छे परिणाम तक नहीं पहुंचाएगा। मेहनत ही वह साधन है जिसके द्वारा तुम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। देव ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली। उसने निश्चय किया कि वह अब आलसी जीवन नहीं जिएगा और मेहनत के रास्ते पर चलेगा। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे मैं आलस्य को हमेशा के लिए त्याग सकूं? बुद्ध ने देव से कहा, आलस्य को त्यागने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दिनचर्या का पालन करना। सबसे पहले तुम एक नियमित दिनचर्या बनाओ। सुबह जल्दी उठो, योग और ध्यान करो और फिर अपने कामों को पूरे समर्पण के साथ करो। अगर तुम अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाओगे तो आलस्य खुद ब खुद दूर हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब भी तुम्हें आलस्य महसूस हो उस समय अपने उद्देश्य को याद करो। यह सोचो कि तुम्हें जीवन में क्या पाना है और आलस्य तुम्हें उस लक्ष्य से कितनी दूर ले जा रहा है। खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करो और उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। देव ने बुद्ध की बातों को मन में बिठा लिया। उसने उसी दिन से अपनी दिनचर्या को सुधारने का निर्णय लिया। उसने मेहनत करने की ठान ली और धीरे धीरे उसकी जीवन शैली बदलने लगी। उसने आलस्य को त्याग दिया और मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद देव ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और उसके परिवार वाले भी उससे खुश रहने लगे। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। देव बुद्ध का आभारी था और उसने अपने जीवन की इस बदलाव के लिए बुद्ध का धन्यवाद किया। उसने सीखा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। बुद्ध ने देव को यह सिखाया कि यदि हम अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत को अपनाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के मार्गदर्शन से देव ने आलस्य को त्याग कर मेहनत का मार्ग चुना और अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना लिया।